खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा ने सुमेरपुर में रेलवे का काम बंद कर मेगा कंपनी के कार्यालय पर तालाबंदी की। साथ ही फैसला लिया कि 15 दिन में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस दौरान एसडीएम और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में बेरोजगारों की सूची सौंपी गई। आंदोलनकारियों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनी को 15 दिन का समय दिया। इस दौरान उक्रांद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र नोटियाल ने कहा कि बेरोजगारों की इस लड़ाई में उक्रांद उनके साथ है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पहले से सोच रही है कि ये पहाड़ विकास की किरण इन पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे। अगर रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसके कहीं हम विरोधी नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जिस पहाड़ की लड़ाई युवाओं के बेरोजगार को लेकर लड़ी गई थी, आज उसका युवा रोजगार के लिए सड़कों पे है, और वो भी वो युवा जो इन प्रोजेक्टों के कारण प्रभावित हुआ है। जमीन इनकी उजड़ी है, बर्बाद ये हुए हैं, लेकिन कंपनी, जबकि स्थानीय स्तर पे जो है जितने भी प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं, ये मांग हमारी थी कि 80% स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार सुनिश्चित किया जाए। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के मूल एजेंडे में ये बात शामिल है कि कोई भी स्थानीय प्रोजेक्ट अगर उत्तराखंड की जमीन में स्थापित होता है तो वहाँ पर स्थानीय युवाओं को उसमें 80% रोजगार दिया जाए। और रुद्रप्रयाग जनपद में यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय बेरोजगार भाई हमारे हैं, जो जिन्होंने बीटेक किया है, जो लोग आईटीआई कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो जिनकी शैक्षिक योग्यता जिस आधार पर भी हो उसके आधार पर उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग यहाँ पर है। इसको लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने यहाँ पर आंदोलन किया है। कंपनी का कार्यालय में हमने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है, इसके साथ ही हमने यहाँ पर कार्य भी इनका बाधित कर दिया। और सुमेरपुर सारे मिला के 171 लोग, 71 लोगों को दे रखा है, 171 आउट ऑफ। आगे इन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? आगे जो हमारे पास लिस्ट जो शासन ने दे रखी है, उसमें से जैसे जैसे हमारे वैकेंसी निकलती है, हम उनको योग्यता अनुसार उसमें से देते रहेंगे।